सलमान के बाद कौन बन सकता है त्रिदेव 2 का हिस्सा? कैसे त्रिदेव 2 पड़ेगी ओरिजिनल पर भारी? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड में बस रोमांटिक कहानियों पर ही फिल्में नहीं बनाई जाती, बल्कि कई एक्शन ड्रामा फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं और जिसे देख दर्शकों का काफी मनोरंजन भी हुआ है। ऐसी एक फिल्म जिसने 1989 में जबरदस्त धमाका किया था वो है त्रिदेव, और आज हम उसी फिल्म के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे डायरेक्टर राजीव राय ने फिल्म के मुख्य कलाकार सनी देओल, जैकी श्रॉफ और नसरुद्दीन शाह को लेकर एक ऐसी कहानी को पेश किया जिसमें त्रिदेव का एक ऐसा ही दुश्मन होता है जिससे उनको बदला लेना है। जो एक इंसान से नहीं हो सका वो इन तीनों ने मिलकर कर दिखाया। राजीव ने फैसला कर लिया है कि वो त्रिदेव 2 बनाकर दर्शकों को एंटरटेन करेंगे। लगभग 10 साल के बाद वो इस फिल्म से वापसी करने वाले हैं, पर वो पूरी तैयारी में हैं। उन्होंने तो स्क्रिप्ट भी लिख ली है। वैसे दोस्तों, फिल्म में ट्रिपल धमाका देखने को मिल सकता है जिसमें पहला नाम तो सलमान खान का ही आ रहा है, पर अब उनके साथ और कौन होगा? राजीव ने इस बात पर कोई खुलासा नहीं किया है, पर ऐसा लग रहा है कि ये एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, तो इसलिए अक्षय कुमार का नाम सुनने में आ रहा है। अगर देखा जाए तो सलमान की लगभग हर एक सीक्वल रीमेक में वो एक्शन मोड में दिखते ही हैं, जिसमें उनकी फिट बॉडी देखने को मिलती है। और बात करें अक्षय की तो वो बॉलीवुड के एक्शन हीरो के रूप में सामने आए हैं, अलग अलग स्टंट करके वो बॉलीवुड के खिलाड़ी बन चुके हैं, तो इन दोनों की केमिस्ट्री फिल्म में काफी ज्यादा मसाला क्रिएट कर सकती है। वैसे दोस्तों, अक्षय और सलमान पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं, वो अच्छे दोस्त भी हैं और एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो इस फिल्म के लिए जो तड़का चाहिए वो दोनों दे सकते हैं। अब इनके साथ और कौन होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, पर अक्षय के साथ काम करके सलमान को हमेशा खुशी होती है। वैसे दोस्तों, कहानी नई हो या पुरानी, दर्शक सीक्वल देखते वक्त उसकी कंपैरिजन पुरानी फिल्म से करते ही हैं। पर दोस्तों, राजीव के इस कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि वो दर्शकों को ऐसी कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि उनकी पेश करने की टेक्निक अलग होने वाली है। फिल्म के कलाकारों के लुक्स भी अलग होंगे, जिसका उस जमाने में इतना स्कोप नहीं था, पर अब अलग अलग टेक्निक से किरदार काफी ज्यादा डैशिंग लगते हैं। दूसरी बात यह है कि पर्दे पर फिल्म जबरदस्त तरीके से दिखाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। आजकल के ट्रेलर भी इसी टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। दोस्तों, तीसरी बात है फिल्म के गाने। आज बॉलीवुड में कई ऐसे मशहूर सिंगर्स हैं जैसे कि अरिजीत सिंह, बी प्राक, जुबीन नौटियाल, जिन्होंने सबको दीवाना बना दिया है, तो ऐसे ही कुछ हटके गाने हमें सुनने को मिल सकते हैं। वैसे आज के एक्शन सीक्वेंसेस बिना ट्रेनिंग के नहीं दिखाए जाते हैं। हीरो का एक पंच भी पर्दे पर भारी लगता है और लोग सीटियां बजाते हैं, तो ऐसे ही कुछ मसाला फिल्म में जरूर होगा और इसलिए ये फिल्म त्रिदेव पर भारी पड़ सकती है। अब आपके हिसाब से कौन होगा कहानी का तीसरा हीरो? जल्दी से अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए। और इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत, पर आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है तृप्ति,